देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। भगवानपुरा थाना क्षेत्र में आए दिन चोरी की वारदातें हो रही हैं। वहीं ग्राम धुलकोट क्षेत्र में किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए रखी पानी की मोटर चोरी हो रही है, जिससे कि किसान खासे परेशान और मायूस भी हो रहे हैं। पुलिस भी चोरी की घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा पा रही है, जिसके चलते चोरों के हौसले दिनों दिन बुलंद होते जा रहे हैं। चोरी की वारदातों को रोकने के लिए किसानों ने पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। धुलकोट के दगड़खेड़ी के सामरिया, पटेल फालिया सहित तीन स्थानों पर एक ही रात में पानी की मोटर चोरी हो गई। पीड़ित किसान धुंधरा खोड़े ने बताया कि 62,000 रुपए की नई पानी की मोटर सिंचाई के लिए लाए थे, जिसे बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात्रि में चोर खेत में से चुरा कर ले गए। पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। अभी तक बदमाशों का कोई पता नहीं चल पाया है। वहीं धुलकोट सरपंच सालक राम किराड़े ने पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है, ताकि चोरी की घटनाओं को रोका जा सके। बता दें कि धुलकोट के नया बिलवा, दगड़खेड़ी, सुंदर पटेल फालिया आदि स्थानों पर 2 सालों से लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं। इस महीने में ज्यादातर पानी की मोटर चोरी हुई है। अज्ञात बदमाश कुओं में से पानी की मोटर निकालकर ले जा रहे हैं। अभी भी पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर है बदमाश। चोरी की वारदातों से किसानों को उठाना पड़ रही मुसीबतें, क्योंकि इस समय खेतों में गेहूं की बुआई का कार्य चल रहा है। ऐसे में पानी की मोटरें चोरी होने से किसानों को खेतों की सिंचाई करने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम अंबाखेड़ा में भी शनिवार रविवार की दरमियानी रात्रि में कुएं में सिंचाई के लिए रखी पानी की मोटर पर चोर हाथ साफ कर गए। पीड़ित किसान पप्पू बर्डे ने बताया कि मैंने कुएं में 5 हॉर्स पावर कीमत की 21,000 रुपए की पानी की मोटर खेत में सिंचाई करने के लिए रखी थी, जिसे अज्ञात बदमाश ले भागे। इससे पहले भी ग्राम में चोरी की घटनाएं हो चुकी है। पुलिस थाने पर इसकी शिकायत दर्ज कराई है। ग्रामीणों का कहना है कि चोरी की घटनाओं पर जल्द ही अंकुश लगाना चाहिए। भगवानपुरा से विजय पाटिल की रिपोर्ट। चोर हो गया यार, कब हुई चोरी? रात को 8 नाइट को हो गए मोटर चोरे, शनिवार रात में। हाँ, सुबह 8 बजे जाके ने देखे तो उसमें मोटर थी नहीं, रसायता था उसमें, और कोई बदमाशों ने मोटर चोरी की। उसमें मोटर की कीमत क्या थी? उस पर कोई शक नहीं कर सकते अपन, कोई मोटर चोरी करने वाले कोई थे क्या मालूम, अपन को कोई पता नहीं है उसका। मोटर की कीमत क्या? मोटर की 21,000 रुपये कीमत है, 5 हॉर्स पावर की मोटर थी। इससे पहले भी वो हो चुकी है चोरी? हाँ, एक बार वो अंबाखेड़ा में हुए थे, ये मोजड़ा में हुए थे। कब हुई थी ये 5 हॉर्स पावर के मोटर? मोजड़ा में हुए। और कब हुई थी इसकी मोटर? अंबाखेड़ा में चोरी हुए थे। नहीं, कितने दिन? 4-5-6 महीने हो गए ये मोटर चोरी हुई। तो उसका पता लगा कि नहीं? नहीं, उसका भी नहीं। और थाने में शिकायत दर्ज करवा दी? हाँ, करवा दी, रिपोर्ट लिखवा दी। क्या नाम लिखते हैं? पप्पू बर्डे। मैं मेरे ग्राम पंचायत धुलकोट के क्षेत्र अंतर्गत दगड़खेड़ी, नया बिलवा, सुंदरा पटेल फालिया, इन क्षेत्रों में अधिक मात्रा में मोटरें चोरी हो रही हैं, जो कि नहर पे हैं और कुओं में से भी, और 2 मोटर तो ट्यूबवेल में से निकाल के चोर ले भाग गए, जिनका अभी तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन किसानों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रात में मोटरें चोरी हो जाती हैं और उनको पानी देने में फिर समस्या होती है। ऐसे में 15-20 हज़ार की मोटरें चोरी हो जाती है। हमारा निवेदन ये है थाना प्रभारी महोदय जी से भी कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रात के समय में दस्तक बढ़ाया जाए पुलिस बल का। अभी तक धरपकड़ हुई कि नहीं? अभी तक कोई धरपकड़ नहीं हुई है। किसानों का डेली फोन भी आ रहे हैं और हमें कितने दिनों से हो रही चोरी करना? चोरी तो कम से कम 2-3 सालों से बहुत हो रही है, और इस साल अब ज़्यादा ही बढ़ गई है कुछ। इस साल ज़्यादा बढ़ रही है। तो शिकायत वगैरह आवेदन करा दिया है? जी, हम लोगों ने आवेदन तो देते हैं, लेकिन अभी तक कोई चोरों का पता नहीं चल पाया है। अभी थाना प्रभारी महोदय जी ने भी बताया है कि हम लोग रात में भी दस्तक चला रहे हैं, लेकिन अभी 2-3 दिनों से चोरी मोटरें हो रही है। कौन कौन से ग्रामों में हो रही? हमारे दगड़खेड़ी में 3 मोटरें चोरी हो गई है। ट्यूबवेल थी जहाँ का 600 फीट अंदर बोरवेल के अंदर थी, उनको निकाल भी निकाल के लगा। और नया बिलवा में एक नहर पे कुआ है गुलाब रमेश करके, उसके यहाँ 6 महीने पहले भी एक मोटर चोरी हो गई थी, और अभी 4 दिन पहले भी एक मोटर 2 फेस की चोरी हो गई है। अभी पुलिस द्वारा का आश्वासन दिया गया? जी, अभी पुलिस द्वारा आश्वासन दिया गया है और रात में दस्तक भी घुमा रहे हैं। अभी चोरी पे अंकुश लगना चाहिए, हमारा ये निवेदन है। क्या नाम लिखते हो? मेरा नाम सालक राम किराड़े, ग्राम पंचायत बिलकुट सरपंच सालक राम किराड़े।